गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अयोध्या में संत समाज की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अयोध्या के संतों ने कहा है, अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, जबकि औपचारिक घोषणा का अधिकार केवल शीर्ष नेतृत्व को है। ऐसे में मुख्यमंत्री चाहे जहां से चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। कुछ संतों का हालांकि ये भी कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या में किया गया विकास फिलहाल एक औपचारिकता है। कुछ लोग इस बात को लेकर चैलेंज कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अपनी सदर सीट से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। संत समाज की ओर से कहा गया है, राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसले से हो रहा है, ये खुशी का विषय है। युवाओं की बेरोजगारी और वैकेंसी का हल भी योगी के लिए चिंताजनक था। यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और है, जनता की प्राथमिकता होती है कि अपने प्रतिनिधि से वो आसानी से मिल सके, जबकि अगर योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़ते तो इसके लिए अयोध्या की जनता को समस्या होती। अगर यहां से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनसे मुलाकात बहुत मुश्किल हो जाती। संतों ने कहा, अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात केवल कयास थी, आज स्पष्ट हुआ है कि मुख्यमंत्री अपनी परंपरागत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। हिंदू जनमानस और संत समाज चाह रहा है मुख्यमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़े, इसको लेकर उनके मन में खुशी भी थी। संतों ने हालांकि ये भी माना कि अयोध्या अपनी गति से आगे बढ़ती जाएगी। अयोध्या अपनी गति विकास की रौ में है, अयोध्या की आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसके ऊपर हिंदुत्व का लेबल होगा, जीत उसी की होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।